Hello everyone, welcome to Peckins. My name is Umar Khan and I'm the CEO of Peckins. Now, I would be talking about the biggest problem which I have to deal with when people are coming for the preparation. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि एक टर्म आई विल बी रिक्वायरिंग यू ऑल टू राइट डाउन एंड आई वुड बी रिक्वायरिंग ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इट ऑल्सो. एक जापानीज टर्म है जिसका नाम है शोशिन. शोशिन का मतलब होता है बिगिनर्स माइंड सेट. द मीनिंग ऑफ शोशिन इज बिगिनर्स माइंड सेट. बिगिनर्स माइंड सेट का मतलब ये है कि जब भी आपने कुछ पढ़ना है तो आपने ऐसे पढ़ना है जैसे आपको कुछ नहीं आता. अगर आप उस नियत से, उस इंटेंशन से पढ़ेंगे दैट यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर. इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन द बेसिक्स तो आप कभी भी उसके ऊपर एक्सेल नहीं कर सकते. तो जापानीज लर्निंग का सबसे बड़ा एक वो है जिसको पूरी दुनिया समझती है, कि आपने खुद भी देखा होगा, जो लोग कहते हैं ना मैं तो बड़ा नालायक हूँ इस टॉपिक में या इस फील्ड में, वो असल में उसमें सबसे अच्छे होते हैं. जो कहते हैं ना मुझे सब कुछ आता है, उसको कुछ नहीं आता. जो कहते हैं ना मैं बड़ा नालायक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो लर्न कर रहा हूँ, वो ज़्यादातर लोग वो होते हैं जिनको बहुत अच्छा आता है. जो कहते हैं ना हमें सब आता है, हमें तो सब आता है और हमें तो कुछ, बस हमें सिर्फ टिप्स चाहिए, इसका मतलब है उस बंदे को कुछ भी नहीं आता. इधर सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है स्किल्स वर्सेस टिप्स का. आपको एग्जांपल, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हमारे मुल्क में ना शॉपर ज़्यादातर शॉपिंग बैग को बोलते हैं जिसके अंदर आप चीज़ें रखते हैं. असल में शॉपर किसको बोलते हैं? वो इंसान जो चीज़ें खरीदे. नाउ द प्रॉब्लम हियर इज दैट टिप्स, नॉर्मली पीपल बिलीव कि टिप्स हैं और हमें टिप्स पता लगेंगी और हमारे पास वो हमें बता दिया जाएगा, शॉर्टकट मिलेंगे और हम एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम, ब्रिटिश काउंसिल है या ETS है या कॉलेज बोर्ड, जिनके पास अरबों डॉलर या अरबों पाउंड्स हैं, उनको हैक कर देंगे. ये सारी चीज़ें रोक दें आप, कोई टिप नहीं चलती. If you are ever going to go to the teacher, always say I want skills. क्योंकि students खुद अपने मुँह से कहते हैं कि मुझे tips बताएं. Tip क्या है? मैं आपको example दे देता हूँ. आप एक ज़मीन लेना चाहते हैं, मतलब you want to buy a piece of land, एक कनाल की, दो कनाल की जगह लेना चाहते हैं. अगर आपके पास पैसे ही नहीं हैं तो आप उसको कैसे खरीदेंगे? पैसे होना बेसिकली स्किल्स हैं. आप जो दिमाग के अंदर डिपॉजिट डालते हैं, टिप्स मैं आपको ये कह सकूंगा कि आपने अगर उसको डिस्काउंट बढ़ाना है, मतलब आपने उस ज़मीन को सस्ता लेना है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उनसे पहले 4 महीने का टाइम लें और फिर उनको कहें कि अगर मैं आपको पेमेंट कल दे दूँ तो आप क्या मुझे 10% डिस्काउंट देंगे? तो लोग ले लेते हैं ज़मीन में वो 10% डिस्काउंट. पहले बहुत कह रहे होते हैं 4 महीने का टाइम दे, फिर कहते हैं अगर कल पेमेंट दें तो ये टिप होगी शायद. टिप्स बेसिकली क्या होती हैं कि आप शॉर्ट स्ट्रैटेजीज करते हैं कि आपको बेनिफिट मिल जाए पूरी तरीके से, मगर वो टिप्स शॉर्टकट्स चलते ही उनके हैं जिनके पास स्किल्स होती हैं. इफ़ समवन इज़ गोइंग टू कम टू मी एंड से मुझे आप ज़रा स्पीकिंग के टिप्स बता दें, अच्छा मैं उसको कहूँगा यूज़ डिस्कोर्स मार्कर्स. वो कहेगा डिस्कोर्स मार्कर्स क्या है? वो कहेगा हाँ थैंक यू. मैं उसको कहूँगा यूज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. वो कहेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो जिसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी होती है? नहीं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं. नेवर एवर. और फिर स्टूडेंट्स खुद कंप्लेन करते हैं, वो खुद कंप्लेन करते हैं और ये कहते हैं कि मुझे दे से कि टीचर ने, हमने तो कहा था कि हमें पढ़ाए, उसने हमें रीडिंग का पैसेज दे दिया और हमें टिप्स दे दिए और फिर आराम से बैठ गया. आपने खुद ही तो कहा था मुझे टिप्स दें, मैंने पढ़ना नहीं है, मैंने वैसे पास होना है. ये इंटरनेशनल एग्ज़ाम है, दिस इज़ नॉट अ लोकल एग्ज़ाम. इधर कुछ भी रट्टे का नहीं चलता. इधर सिर्फ वो चीज़ें टेस्ट करते हैं जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग थी, उन्हीं का एग्ज़ाम है ये सारे एग्ज़ाम्स. सो नेवर एवर गो टू एनी टीचर एंड से गिव मी टिप्स. उससे टीचर को पता लग जाएगा
कि आपका माइंडसेट में बेसिकली शॉर्टकट है, वो आपको बड़ी आसानी से इग्नोर करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, या फिर एजेंट या कंसल्टेंट के पास भेज देंगे कि जाओ यार इस बंदे का तो आईक्यू लेवल नहीं है, इसको जितना मर्जी इसको लूटना है लूट लें। सो यू ऑल हैव टू रियलाइज, यू ऑल हैव टू ऑलवेज गो टू अ टीचर एंड ऑलवेज से कि मुझे